अस्सलामुअलैकुम, मैं हिना एजाज, वेलकम टू वीकेंड विद हिना। आज मेरे खसूसी मेहमान, आई एम श्योर आपको उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी, बिकॉज नंबर वन ही इज़ अ कोरोना सर्वाइवर, इन्हें कोरोना हो चुका है और ये हुकूमत का हिस्सा है। इन्होंने कैसे ये क्वारंटीन पीरियड अपना गुजारा और इन्हें कोरोना कैसे हुआ, हाउ इज़ हिज जर्नी, ये आज आप जान पाएंगे। एंड ऑल्सो वंस ही वॉज इंडक्टेड इन द गवर्नमेंट, बहुत ही कम उम्र है इनकी, ही इज़ इन हिज 30s, एंड किस तरह से पॉलिटिक्स में आए, इट वुड बी नाइस टू फाइंड आउट, क्योंकि इतनी कम उम्र में किस तरह पॉलिटिक्स में आते हैं, आज आप इनसे कुछ सीख पाएंगे। मैं बात कर रही हूँ कामरान बंगश की, ही इज स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम केपी के। अस्सलामुअलैकुम कामरान सर। थैंक यू हिना, बहुत शुक्रिया। 31 साल आपकी उम्र है, आई रेड तकरीबन 32 साल। 32 साल, तो इतनी कम उम्र में पॉलिटिक्स में आना, तो चले लोग आ जाते हैं, लेकिन मिनिस्ट्री हासिल कर ले एक बहुत बड़ी बात है, ये सब कैसे हुआ? हिना, मैं तकरीबन आप कह लें कि कोई 11-12 साल से पीटीआई से वाबस्ता हूँ, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। तो उस वक्त से एक स्ट्रगल थी, लॉयर्स मूवमेंट में खान साहब को ज्वाइन किया, फिर ISF, यूथ विंग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीडिया, एक ऐसी तरबियत हुई खान साहब के ज़ेर साया और जो हमारी पॉलिटिकल पख्तूनख्वा की जो लीडरशिप है कि वो ग्रूमिंग होती रही। फिर 2015 में मुझे मैं यूनियन काउंसिल का चेयरमैन मुंतखब हुआ। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2013 में भी मैंने अप्लाई किया था, और 2013 में जब अप्लाई किया तो उस वक्त हमने, क्योंकि यूथ बहुत ज़्यादा मेरे साथ अटैच थी, तो हमने बहुत हल्ला गुल्ला किया कि जी हमें टिकट चाहिए, टिकट चाहिए। तो जब वो डॉक्यूमेंट्स हमारे चेक हुए तो मेरी एज जो है वो 25 साल से कम तो वो लीडरशिप ने कहा कि आप इतना वो रिजिस्ट कर रहे हो और आपकी एज ही अभी पूरी नहीं है और आप अभी इतना मसला कर रहे हो। तो फिर उसके बाद 2015 में लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन लड़ा, UC चेयरमैन मुंतखब हुआ। 2018 में अप्लाई किया, और वो भी ऐसे अप्लाई किया कि वो दोस्तों ने ज़बरदस्ती कहा कि आप अप्लाई कर लो, वरना पब्लिक सर्विस कमीशन मैंने क्वालिफाई कर लिया था। वो लोकल गवर्नमेंट में ही मैं चूंकि सिस्टम में था तो एक लोकल गवर्नमेंट में पब्लिक सर्विस कमीशन की एक सीट आ गई, उसमें मैंने अप्लाई किया। 40,000 लोगों ने उसमें अप्लाई किया था और उसमें सिर्फ 39 लोगों ने क्वालिफाई किया और उसमें मैं भी था। तो वो फैमिली की तरफ से काफ़ी था कि आप पब्लिक सर्विस कमीशन ज्वाइन कर लो, 17 स्केल की नौकरी है आपकी, बट दोस्तों ने कहा कि नहीं आप वैसे ही अप्लाई कर लो, अदरवाइज आपकी नौकरी तो हुई हुई, कोई मसला नहीं है। तो जब टिकट के लिए अप्लाई किया तो खान साहब ने लीडरशिप के थ्रू मुझे मैसेज पहुंचाया कि जी आप क्या करना चाहते हैं। मैंने कहा कि जो खान साहब की मर्जी हो मैं वही करूँगा। तो फिर लीडरशिप ने कन्वे किया कि जी खान साहब चाहते हैं कि आप इलेक्शन लड़ लो। मैंने कहा बस फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो हमने इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है। शॉक नहीं लगा आपको? नहीं, मुझे तो नहीं लगा, मेरी फैमिली को काफी शॉक लगा। वो खुश थे वो कि नहीं? नहीं, वो बहुत परेशान थे, वो मेरे इलेक्शन के फेवर में नहीं थे। क्यों? वो समझते थे कि एक सिक्योर्ड फ्यूचर है पब्लिक सर्विस में, प्रमोशन की करियर प्रोग्रेशन बहुत ज्यादा है, और पॉलिटिक्स में उनका ये था कि यहाँ पे जब हम जैसे लोग जो ऑनेस्टली मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, शरीफ लोग होते हैं, सियासत में लोग गालियां देते हैं, इस तरह की मतलब बड़ी ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, तो फैमिली की तरफ से ये था कि जी आप इनसे दूर ही रहें। लेकिन जब खान साहब ने कहा तो उसमें तो फिर कोई दूसरी बात हो नहीं सकती थी। हमने इलेक्शन लड़ा, वो इलेक्शन भी ऐसे था कि अल्लाह ने बड़ा करम किया, बहुत सूबे, पूरे सूबे में सबसे ज़्यादा लीड मेरी थी, 22,500 वोटों की लीड थी मेरी। गिवन जो आपकी उम्र है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत कम उम्र या बहुत ज़्यादा उम्र, आई मीन जस्ट कमिंग टू द फैक्ट कि जिस उम्र पे अभी आप हैं, उस लिहाज से जो बाकी पार्टी के लीडर्स हैं, आई एम श्योर कि काफ़ी दफ़ा मुखालफत भी होती होगी, आपके एतराज़ात भी होते होंगे, आपको जो ओहदा मिला हुआ है या जब मिल रहा होगा उस वक्त लेके, जब टिकट मिल रही थी इलेक्शन लड़ने की उस वक्त भी एतराज़ात होंगे, और अभी भी काफ़ी जो आप तजावीज़ देते होंगे उस पर भी अख्तलाफात होते होंगे, तो बताइए मेरी कौन कौन सी बात सच है? आपकी तकरीबन सब बातें सच हैं। लोग जो है वो एज फैक्टर को लेकर आपकी जो कंट्रीब्यूशन है या जो आपकी स्किल है या आपकी जो मैच्योरिटी लेवल है उसको क्वेश्चन करते हैं।
बच्चे ये क्यों बोल पड़े, इनकी तो उम्र कम है, ऐसे होता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, और कभी कभी ये भी हो जाता है कि बहुत सारी चीजों में वो आपको मिस इंटरप्रेट कर देते हैं और फिर इस बात को लिंक कर देते हैं कि ये देखें ना, ये ही इज अ किड, वो इस तरह की आपको जो रेसिस्ट स्टेटमेंट्स भी सुनने को मिलती हैं। मेरे लिए सबसे जो शॉकिंग बात थी, और वो अभी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं नाम भी देना चाहता हूँ उनका, ही इज अ गुड फ्रेंड, सरदार हुसैन बाबक साहब, सीनियर पॉलिटिशियन है वो, और वो जब पहली तकरीर में उठ के खड़े हो गए तो उन्होंने मेरी तरफ उंगली करके कहा कि इन जैसे लड़कों से हमारा कभी मुकाबला नहीं हुआ। वो यानी मेरी एज को लेकर उसने क्रिटिसाइज किया कि जी कहीं मैं पता नहीं किसी और मखलूक कोई और जगह से मैं आ चुका हूँ। तो खैर मैंने उनको आंसर किया, अभी काफ़ी अच्छी दोस्ती है उनके साथ। पिछले दिनों भी उनसे यही डिस्कस हो रहा था कि आपकी वो पहली तकरीर में नहीं भूल सकता कि मेरी एज को लेकर आपने जो मुझे क्रिटिसाइज किया। हर जगह पे ये होता है, कभी कभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है गवर्नमेंट का, वो भी आपकी बातों को ज़्यादा वेटेज नहीं देते, बट खुशकिस्मत ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि वज़ीर आला साहब बहुत ज़्यादा अच्छे लिसनर हैं, वो अच्छे ऑब्जर्वर हैं, और आपके यही बात, साथ उनका रिश्ता ठीक है, बहुत ज़्यादा ठीक है, आपकी बात सुनते हैं, मैं ये कहता हूँ तरजीह भी देते हैं, ये भी अगेन आई'd लाइक टू ऐड, तरजीह भी देते हैं और वो मेरी बात को सुनते भी हैं, रिस्पॉन्ड भी करते हैं, और कभी कभी वो अक्सर हंसते हुए मुझे कहते हैं कि अगर आपसे गलती हुई तो मैंने आपके एक फिर कान भी खींचने तो वो एक उनके साथ वालिद का और बेटे का या दोस्त का एक ऐसा रिश्ता है। तो वज़ीर आला साहब की तरफ से और हमारी प्रोविंशियल लीडरशिप है, मैं बल्कि नाम लेना चाहता हूँ कि असद कैसर साहब, शाह फरमान साहब, परवेज़ खटक साहब, ये जो सूबे में है, इनकी तरफ से काफ़ी सपोर्ट है, मतलब वो हमेशा वैल्यू देते हैं, वो गाइड करते हैं, नेशनल लेवल पे हमारी लीडरशिप में भी काफ़ी गाइडेंस होती रहती है। वो एक सॉर्ट ऑफ, अभी कल मैं इधर लाहौर में था तो रियाज फतियाना साहब से मुलाकात हुई और तकरीबन 1.5-2 घंटे की उनके साथ नशिस्त रही, तो उन्होंने काफ़ी गाइड किया कि जी कैसे आपने अपने कैरियर को, पोलिटिकल कैरियर को आगे लेकर जाना है, कैसे आपने अपने हल्के के लोगों को मैनेज करना है, कैसे अपने सेंटीमेंट्स को कंट्रोल रखना है। और वो यही कह रहे थे कि मैं भी आप ही के एज में पॉलिटिक्स में आया था, और ये बड़ा एडवांटेज होता है कि आप बिल्कुल ग्रास रूट से जब आप आते हैं तो आपकी बहुत लर्निंग होती है, एक्चुअली समझ भी जाते हैं सियासत को ठीक से, जो लोग ग्रास रूट लेवल से आते हैं। बट अगेन अपने आप को मनवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज तो रहता है आपके लिए। वैसे आपने अगर अपनी बात मनवानी हो तो मनवाते कैसे आप? बिकॉज अगेन वही एज फैक्टर लेके शायद बहुत सारे सीनियर लीडर्स होंगे जो नहीं सुनते होंगे। मैं वैसे हूँ थोड़ा सा, बिल्कुल आप कह रही हैं, मैं थोड़ा सा अड़ जाता हूँ लीडरशिप के सामने, और वो बड़ा रिगार्ड रखते हैं, वो ऑफेंड भी होते होंगे इस बात पे, ऑफेंड भी होते हैं, लेकिन चूंकि वो बड़े होते हैं तो वो बड़े समझ जाते हैं कि चलो ये इसका एज का बेनिफिट हम इसको दे देते हैं। अच्छा, बेनिफिट भी है, सी बेनिफिट भी मिल जाता है कभी कभी आपको, अगर आपसे कोई गलती भी हो जाए तो लोग, मतलब जो समझने वाले बड़े हैं वो कहते हैं कि चलें बखैर लड़का है, हो जाता है, ये इस तरह की चीजें हो जाती हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो खास सब मिनिस्ट्री है, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी KPK है, उसमें आप क्या रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, या कोई रिफॉर्म्स ऑलरेडी अगर आपने इंट्रोड्यूस कराए हैं, इम्प्लीमेंट कराए हैं? अगस्त 2018 से जनवरी 2019 तक साइंस और IT का मुशीर रहा वज़ीर आला साहब, उसके बाद जनवरी से लेकर अब तक लोकल गवर्नमेंट को मैं देख रहा हूँ। साइंस और IT में कुछ बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं जिनको मैंने एड्रेस किया, जो जिनको रिफॉर्म्स पूरे खैबर पख्तूनख्वा में हम देखे हैं। एक जो हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि एकेडीमिया, गवर्नमेंट और इंडस्ट्री, इसकी लिंकेजेस के बहुत ज़्यादा इश्यूज थे, वो हमने ब्रिज करने के लिए एक पूरा मैकेनिज्म बनाया, एक डिजिटल पॉलिसी हम लेके आए, साइंस और IT, साइंस और टेक्नोलॉजी की एक पॉलिसी लेके आए, डिपार्टमेंटल लेवल पे काफ़ी रिफॉर्म्स किए, जिसमें अमेंडमेंट्स है, जो एक्ट की अमेंडमेंट्स है उससे लेकर एक पॉलिसी लेवल पे एक पूरा मेकशिफ्ट लेके आना था। खुशकिस्मती ये थी कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा का ST और IT का पूरा पोर्टफोलियो तकरीबन 30-40 करोड़ रुपए था।
जब मैं आ गया तो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने उसको मोर देन डबल कर दिया। हमने तकरीबन 80 करोड़ रुपए सूबे से सिक्योर किया और 2 अरब 60 करोड़ रुपए हमने वफाकी हुकूमत से सिक्योर किए खैबर पख्तूनख्वा के लिए, जिसमें एक बहुत बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट पेशावर में डिजिटल कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। हाँ जी, बुनियाद रखती गई है उसकी। बिल्कुल, वो PSDP में हमारा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। और कब तक मुकम्मल? इंशाल्लाह हमारे ही टर्म में कंप्लीट हो जाएगा। स्टेट ऑफ द आर्ट एक डिजिटल कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें आपकी एकेडेमिया, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट सब एक ही छत तले सर्व करेंगे। मैंने सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर्स के ऊपर काफ़ी काम किया है, जबकि आपको एक छत तले मोर देन 25 सर्विसेज मिले। वो चूंकि एक साल में काफ़ी मेच्योर हो गया था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल स्टेजेस में है उसकी भी इस्टेब्लिशमेंट। पेपरलेस गवर्नमेंट के लिए हमने काफ़ी एफर्ट की। फर्स्ट कैबिनेट से फर्स्ट रिजॉल्व हमारा यही था कि हम कागज़ का खात्मा करें। अब वो कागज़ के साथ कोई ख़ास दुश्मनी नहीं थी हमारी, लेकिन जब आप डिजिटली ट्रांसफॉर्म करते हैं गवर्नमेंट्स को तो आपको सामने आना शुरू हो जाती है, अकाउंटेबिलिटी आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, सर्विस डिलीवरी तेज हो जाती है। तो इन सारी, चूंकि ये हमारी प्रायोरिटीज थी, एक जो जिसके ऊपर मेरा काफ़ी फोकस रहा और काफ़ी काम किया, ऑल्दो के वो हमारे डिपार्टमेंट का नहीं था, वो पटवारी निज़ाम का खात्मा था। और उसकी जो मुझे जो रेजिस्टेंस मिली, जिस लेवल पे मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जो हमारी लैंड रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज नहीं है। मेरे टर्म में अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन 7 डिस्ट्रिक्ट्स में कंप्लीट होने जा रही है बस, और जो बाकी तकरीबन 20 के करीब या 18 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें मोर देन 50% हम कर गए। यानी आप ये समझ लें कि रोज़ाना एक मीटिंग लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइजेशन पे, रोज़ाना ही एक मीटिंग। यानी लोग इस चीज़ को इतना अप्रिशिएट कर रहे थे कि ये एक ऐसी बुनियादी चीज़ है कि अगर आप अदालतों में जाएँ, साल हर साल से 30-30, 40-40 साल से लोगों के केसेस चल रहे हैं, लोगों की दुश्मनियाँ हैं उधर ज़मीनों के मसलों के ऊपर। जब तक ये डिजिटाइज नहीं होगा, जब तक ये कंप्यूटराइज नहीं होगा, तो ये हमारा जो सिस्टम है पटवारियों का एक न्यूसेंस बनी हुई है। पटवारी लफ्ज़ जो है वो हर जगह पे एक बुरी नज़र से देखी जाती है। बिल्कुल, तो उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए काफ़ी एफर्ट करनी पड़ी, और लोगों के बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस थी। उसमें खातिर खा कामयाबी मिली मुझे। अच्छा, आप कोरोना का शिकार हो चुके हैं, रह चुके हैं, और आपने अभी बल्कि इंटरव्यू शुरू होने से पहले मुझे बताया कि 14 दिन के बाद ही आपका रिजल्ट नेगेटिव आ गया था। नेचुरली आप अपने हलके में जाते थे, आपके जो काम है सियासत का हिस्सा है, तो ऑफकोर्स आप रोज़ाना मीटिंग्स, रोज़ाना आम आवाम से मिलना, कहीं ना कहीं से हो गया होगा, लग गया होगा कोरोना। लेकिन ये जो 14 दिन का पीरियड था, क्या ये बासानी गुजर गए? 14 दिन तो अच्छे गुजर गए। शुरू में जब डायग्नोज हुआ तो तकरीबन एक दिन का वो डिप्रेशन इसलिए था कि मेरे पेरेंट्स एजेड हैं, मेरे बच्चे हैं घर में, वालदा मेरी काफ़ी एजेड है, तो उनकी फिक्र थी सिर्फ कि कहीं ऐसे ना हो कि मेरी किसी एहतियाती की वजह से उनको मैं ये ट्रांसमिट ना कर। लेकिन उन्हें हुआ तो नहीं, ये अल्लाह का फजल है कि जब एक दिन बाद उनके रिजल्ट आ गए तो उनको नहीं था, फिर मैं रिलैक्स हो गया। और फिर वो 14 डेज जो जितना कुछ मैं खा सकता था, जितना लोग मुझे खिला सकते थे, मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा, मेरी मिसेज, मेरे जो घर वाले हैं, दोस्त हैं हल्के के, यानी फ्रूट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे, जूसेस खाने में बहुत ज़्यादा, यानी पेड वेकेशन दी थी आपके लिए जो तो, काम आप आम जिंदगी में नहीं कर पाते क्योंकि आप सियासत का हिस्सा हैं, आई थिंक वो इस क्वारंटीन पीरियड में आपने कर लिए होंगे, फिल्में देख ली होंगी, काफ़ी फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज, बुक्स पढ़े। लेकिन सिम्टम्स आपके बहुत ज्यादा थे? मेरे सिम्टम्स शुरू में काफी ज्यादा थे, जिसमें फीवर, बॉडी एक्स और कफ बहुत ज्यादा था, बट वो 2-3 दिनों में ही कवर हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, 2-3 दिन बाद ये तमाम सिम्टम्स खत्म होना? यूजुअली ये माना जाता है कि 7वें दिन से लेकर 10वें दिन तक बड़ा क्रिटिकल होता है इसमें। अच्छा, तो जब आपको सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं तो तकरीबन 4-5 दिन गुजर चुके होते हैं। तो मुझे भी यही था कि सिम्टम्स आना बाद में शुरू हो गए थे, वो कॉन्ट्रैक्ट मैं पहले कर चुका था। अच्छा, तो आप कैरियर थे? मैं कैरियर था, और उसी वजह से मुझे काफ़ी खौफ था। मेरे साथ जो हल्के के लोग थे, मैंने सबको फर्दन फर्दन कहा, हमारे एक मिनिस्टर साहब हैं जो अभी साइंस और आईटी को देख रहे हैं, बड़े भाई हैं ज़ियाउल्लाह बंगर साहब,
उनके साथ में रहा, उनको मैंने उसी वक्त कॉल की कि जी आप फौरन अपना टेस्ट। और उनके टेस्ट में क्या आया? उनका भी नेगेटिव आया। उनका भी नेगेटिव था? हाँ जी। वो ये था कि वो तो दोस्त हैं, काफी अच्छे दोस्त हैं हमारे, वो जबरदस्ती आपसे गले मिलने की कोशिश करते हैं, आपसे हाथ मिलाते हैं, लेकिन मैंने इस पूरे जब से कोरोना का वो हुआ है, मैंने सख्ती से ना मैं किसी के साथ हाथ मिलाता हूँ, बल्कि घर में भी लोग आते हैं तो अक्सर वो नाराज भी हो जाते हैं। हमारे कल्चरल बैरियर्स हैं, सोशल फैब्रिक हमारा ऐसा है कि आपको गले भी मिलना होता है, हाथ भी मिलाना पड़ता है। लेकिन मैंने स्ट्रिक्टली सबसे कहा था कि जी मैं किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। वो जो मुझे लग रहा है कि एक जगह पे वो कहीं हाथ मिला लिया था आपने। वो हल्के में एक फातिहे पे गया हुआ था तो उधर बुजुर्ग आ गए, उनसे हाथ मिलाना जरूरी था, उस वजह से शायद मुझे लग रहा है कि उधर कहीं से मुझे ट्रांसफर, यानी आपका शक उसी जगह पे। हाँ। तो वो ज़ियाउल्लाह बंगश साहब जो है वो जबरदस्ती मुझे गले मिलने की, और मैं उनसे भाग रहा था उस रात क्योंकि मुझे थोड़े से सिम्टम्स हो रहे थे, और अगले दिन वो फिर मुझे कह रहा था कि कल आपने बड़ी अच्छाई की मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई जस्ट विश के अभी आवाम इन चीज़ों को समझे, क्योंकि अभी आप यही देखें कि चाहे बाजार हो, चाहे मस्जिद में जाना हो, चाहे कोई ऐसी बात हो कहीं, बस पब्लिक जहाँ पे गैदरिंग होती है, लोग नहीं समझ पा रहे फिर भी जा रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। हमारे लोग इस फैक्ट को नहीं समझ पा रहे कि क्योंकि हम यंग लोग हैं, हम सर्वाइव कर जाते हैं। मुझे जब कोरोना पॉजिटिव आया तो मुझे सबसे ज्यादा डिप्रेशन थी मेरे वालिदैन की। Absolutely. जो एजड लोग हैं मेरे हलके के जिनसे मैं मिला, आपकी वजह से, आपकी एक छोटी सी बेहतियाती की वजह से किसी और की जिंदगी आप खतरे में डाल रहे हो, आप अपने बच्चों की, अपनी फैमिली को सख्त सिचुएशन में डाल रहे हो। तो छोटी छोटी चीजें अगर हम उनको फॉलो कर लें, और ये मैं आपको बता रहा हूँ है ना कि तकरीबन एक महीने से ज्यादा हुआ है कि मैं जो है रिकवर कर गया, लेकिन ये इतना एक सख्त सा वायरस है, नास्टी सा वायरस है कि ये उसके पोस्ट इफेक्ट्स अभी तक होते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे आपको कफ भी हो सकती है, यानी वो तो चला जाता है लेकिन उसके इफेक्ट्स रहते हैं। आपको बॉडी में बॉडी एक्स भी होते हैं, कमजोरी भी होती है, हाँ रहती है। ये तकरीबन दो महीने तक इसके इफेक्ट्स रहते हैं। तो ये लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे, लेकिन बहुत ज्यादा लोग मर गए इसकी वजह से। और बल्कि केपीके में तो फेटलिटी रेट जो है वो ज्यादा है बरक्स दूसरे सूबों के। केपी में ज्यादा है, और केपी में सबसे ज्यादा पेशावर में। तो इस पे मैं तो पर्सनली एक दफा तो ऐसे हुआ कि मैं घर से निकला और अपने हाथ में मेगाफोन पकड़ के मैंने लोगों को खुद कहना शुरू कर दिया कि यार खुदा का वास्ते आप लोग घर चले जाओ, आप लोग क्यों अपने घर वालों को, अपने चाहने वालों को खतरे में डाल रहे हैं। सुना किसी ने नहीं होगा, एक दिन सुन लेते हैं, अगले दिन फिर अच्छा वो हुआ कि चार दिन के लिए हम लॉकडाउन ईज करते हैं। वो चार दिनों में इतने ज्यादा लोग बाजारों में उमड़ आते हैं कि उनको फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक छोटी सी चीज है कि आप मास्क पहन लें, मास्क नहीं पहनते, छोटे छोटे बच्चे लेके लोग बाजारों में जा रहे हैं, और बच्चे जो है बच्चों का शायद इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करते, लेकिन वो बच्चे तो एक तो कैरियर बन गए ना, वो कैरियर बन गए, और वो उनमें सुना है कि वो बहुत जल्दी ट्रांसमिट करते हैं। Absolutely. तो ये छोटी छोटी चीजें हम फॉलो नहीं कर रहे, और खुदा ना खास्ता हम कोई बहुत बड़े डिजास्टर की तरफ ना चले जाएं। नंबर ऑफ पीपल बीइंग टेस्टेड और उसमें पॉजिटिव कितने निकल रहे हैं, वो एक बड़ा अलार्मिंग फिगर है, इट्स क्वाइट हाई। और है ना, आप डेवलप्ड कंट्रीज को देख लें, इटली जो है वो क्लेम करती है मेडिसिन साइंसेस में, मेडिकल वर्ल्ड में, कि हमारा हेल्थ सिस्टम बड़ा रोबस्ट। यूके को आप देख लें, अमेरिका को देख लें, उनके सिस्टम्स बैठ गए। तो हम तो सर्वाइविंग कंट्री हैं, हम तो एक इकोनॉमिकली बहुत कमज़ोर हालत में, हम कैसे इस सिस्टम को फिर कोप अप करेंगे? इसको भी लोगों को देखना चाहिए। और फिर जो इन सिचुएशंस में जो माफियाज उभर आते हैं, वो भी पिछले कई दिनों से सामने आ रहा है कि कोई प्लाज्मा डोनेट कर रहा है, उसके पैसे ले रहे हैं। यानी हम इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, इसको हम सीरियसली नहीं ले रहे। हमारा जो प्राइवेट हेल्थ सिस्टम है उनको आप देख लें, एक का कल शायद शेयर हुआ था कि वो कोई 17 लाख रुपए जो है उन्होंने बिल दिया था 10 दिन का किसी पेशेंट को। तो लोगों को सीरियसली इसको लेना चाहिए, इससे पहले कि हम कोई एक ऐसी सिचुएशन पे खुदा ना खास्ता पहुंच जाएं कि उससे फिर
वापस आना बड़ा मुश्किल, बिल्कुल ही अनकंट्रोलेबल हो जाए। अभी फिर भी कंट्रोलेबल हो सकता है, लेकिन सिर्फ वही बात है कि हुकूमत की दी हुई SOPs को प्लीज फॉलो करें। इसमें तमाम लोगों की जिंदगी शामिल है, चाहे बड़े बूढ़े हों, आप खुद हों, आपके बच्चे हो सकते हैं। सो वन हैज टू बी केयरफुल। वेल बट गुड टू हियर कि आपका जो क्वारंटीन पीरियड था बड़ी आसानी से गुजर गया। बट लाइक यू सेड कि ये एक्स एंड पेन्स आफ्टर इफेक्ट्स आपको 2 महीने तक नजर आते रहते हैं। नो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट टू पॉन्डर ओवर, क्योंकि बहुत सारे लोग समझे अच्छा जी मुझे कोरोना हो गया, अब मैं ठीक हूँ और अब मुझे कुछ नहीं हो सकता दोबारा, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी हैं। पीपल मस्ट अंडरस्टैंड दैट। ये भी एक हमारी हाइपोथेसिस है कि हम ये समझते हैं कि शायद ये यंग लोगों को ज्यादा इफेक्ट नहीं करती। मेरे अपने हल्के के 33-34 ईयर्स के लोग मर गए हैं इस वजह से, 30 ईयर्स के लोग इसमें से मर गए। तो वो ये भी नहीं है कि हम ये समझ लें कि आई एम हेल्दी, आई एम यंग, तो मैं सर्वाइव कर लूंगा। तो ओवरऑल हर एज ग्रुप को इसको सीरियसली लेना है। ये अब ऐसी चीज़ है कि इसके ऊपर अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहे कि ये कब तक रहेगा, कैसे रहेगा, किन को ज़्यादा इफेक्ट करेगा, किस वजह से ज़्यादा इफेक्ट करेगा, कैसे हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो जैसे आपने कहा, मेरी भी रिक्वेस्ट है कि लोग इसको सीरियसली लेना शुरू कर दें और खुदा ना खास्ता हम कोई एक ऐसी जगह पे स्टक ना हो जाएं एज अ नेशन के हम फेल्ड नेशंस में फिर आना शुरू हो जाएं कि ये फेल हो गई है ये मुल्क। तो हमें इसको ज्यादा सीरियसली लेना है। अच्छा, आपकी एक तस्वीर वायरल हुई थी आपके बेटे के साथ, आप अपने बेटे को साथ काम पर भी लेकर जा रहे थे। वेल, ये वो वक्त था जब आप एक सिंगल, बतौर एक सिंगल पेरेंट अपने बेटे का ख्याल रख रहे थे। एंड ऑफ कोर्स बैकग्राउंड तो वही है कि इट वाज वेरी ट्रैजिक, योर वाइफ पास्ड अवे बिकॉज ऑफ कैंसर। वो बहुत मुश्किल वक्त होगा आपके। मुश्किल भी था और साथ में ये था कि बच्चों की एक अटैचमेंट होती है अपनी मदर के साथ, मेरे साथ शायद इतनी ज्यादा नहीं थी। तो वो टाइम पीरियड जो है उसमें मेरे साथ उनकी एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हुई, और जो बेटी है मेरी और बेटा है वो काफ़ी करीब भी मेरे आ गए। और वो जो आप एक स्पेसिफिक तस्वीर की बात कर रही हैं, वो मेरे हल्के का एक बंदा था जो कि मुझे नहीं पता था कि वो आ चुका है और वो तस्वीर भी ले रहा है। घर में चूँकि मेरी वालदा कमज़ोर हैं तो बच्चे उनको ज़्यादा तंग कर रहे थे, तो मैं कुछ दिन रेगुलरली इनको अपने साथ ऑफिस लेके जाता होता था इनके लिए, फिर कंप्यूटर लगा के ये गेम्स वगैरह खेलते होते थे बच्चे, और फिर मैं अपना काम कर रहा था। तो वो तस्वीर जब शेयर हुई तो ऑल्दो के उस जो लड़का था उसने फिर बड़ी माजरत की कि मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो टाइम थोड़ा सा आपने बुरा मनाया था उस तस्वीर का शेयर होना। मेरा ये ख्याल है कि वो जब बच्चे बड़े होंगे तो कहीं ये ना समझ लें कि हमारे वालिद ने कोई हमारी वजह से सिंपैथीज लेने की कोशिश की या पॉलिटिक्स करने की कोशिश की। तो इस वजह से मेरी बेटी जो है हलीमा, शी इज माशाल्लाह 9। अच्छा। वो जब मेरे ऑफिस आती है तो वो मुझे मेरी एग्जीक्यूटिव चेयर से उठा के मुझे कहती है कि आप चले जाएं, मैं इधर बैठूंगी। अभी भी उनका यही स्टाइल है, मतलब अच्छा, अभी भी दफ्तर आते जाते रहते हैं, दफ्तर आती होती है। तो वो तस्वीरें भी फिर शेयर हो गई थी, वो उसी दिन इकट्ठे थे तो मैं हल्के के लोगों के साथ, तो हलीमा एग्जीक्यूटिव चेयर पे, आयान मेरे साथ खेल रहा था। वो तस्वीरें ऐसी शेयर हो गई और फिर मैंने इनको भी समझाने की कोशिश की, मैंने कहा कहीं इनको कोई मिसफीड ना करें। लेकिन उसका ये था कि काफ़ी दुआएं लोगों की तरफ से मिली, काफ़ी नेक तमन्नाएं मिली लोगों की तरफ से। लेकिन वो मुश्किल वक्त होगा, वो जो एक पैच आया था बहुत मुश्किल होगा डील करना बच्चों के लिए, खासकर वालदा की जो कमी है वो कोई नहीं पूरी कर सकता। बिल्कुल। और जो मेरी मिसिस थी वो तकरीबन 1.5 साल वो कैंसर के खिलाफ लड़ती रही, तो उसमें भी वो बच्चों को जो अपना जो पूरा टाइम देना है, क्योंकि हमारी बदकिस्मती समझ लें या एक वो समझ लें कि हम, मुझे अक्सर घर वाले भी यही कहते हैं कि आपके पास सिर्फ अपने घर के लिए टाइम नहीं होता, बाकी सब दुनिया के लिए आपके पास टाइम है। तो मैं तो ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता अभी भी, और ना उस वक्त मैं दे सक रहा था। लेकिन वो बावजूद ये कि वो बहुत सख्त बीमार होती थी, उनको टेम्परेचर बहुत सीवियर होता था, उनको नाक से ब्लीडिंग होती थी कैंसर की वजह से,
लेकिन उसके बावजूद आप ज्यादा वक्त नहीं दे पाए उस वक्त उन्हें। मैं बच्चों को ज्यादा वक्त नहीं दे पाया, उनके साथ तो मैं होता रहता था हॉस्पिटल में, उनके साथ मैं रहा अल्हम्दुलिल्लाह जो साल डेढ़ साल था। उन्होंने काफी इस चीज को एक्नॉलेज भी किया था अपने सीने में, लेकिन वो मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ कि उसने उस वक्त भी बच्चों के साथ हो रखा, वो लिंक्ड रही उनके साथ। तो जब वो चली गई तो वो खला जो है वो पूरा करना मेरे लिए मुश्किल था। माँ का भी प्यार देना और बाप का भी प्यार देना और उनको टाइम भी देना, उनको और ज्यादा अपने साथ अटैच रखना, तो वो थोड़ा मुश्किल तो था ऑब्वियसली। और बच्चों ने किस तरह इस मुश्किल मरहले में कह लीजिए मुकाबला किया? आयान तो काफी यंग है, उसको तो ज्यादा समझ नहीं आ रही थी, कोई 4 साल का था उसको, बहुत छोटा था। हलीमा समझ रही थी और हलीमा ने काफी असिस्ट किया मुझे अपने भाई को संभालने में, मुझे अच्छा? अपने हाँ हलीमा, वो मैं अक्सर यही कहता होता हूँ अपने दोस्तों से भी कि हलीमा जो है बहुत कम उम्र में इतनी माशाल्लाह मैच्योरिटी की तरफ चली गई कि पूरे घर को उसने ऐसे इंटैक्ट रखा। जो मेरा ससुराल है उसका जो ननियाल है उनके साथ वो काफ़ी अटैच रही। मेरी जो सास है शी इज़ हाइपरटेंसिव, उनके साथ उसका एक अटैचमेंट रहा और ये उसको भी तसलियाँ देती रहती थी, मुझे भी कंट्रोल कर रही थी, अपने भाई को भी, मेरी वालदा को भी, तो सब घर को उसने एक अच्छे तरीके से इंटैक्ट रखा। आप बहुत लकी हैं आपकी बेटी इतनी समझदार है। बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। वेल वक्त की कमी है वरना मैं मजीद इस पे गुफ्तगु करती, सो आई हैव टू कट द स्टोरी शॉर्ट, बट थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया एंड विश यू ऑल द बेस्ट जो भी आप नए काम करने जा रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तो आपने बात की, क्या क्या चीजें शुरू की थी, लेट्स होप कि अब वक्त पे मुकम्मल हो जाए तमाम काम। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग अ कोरोना सर्वाइवर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।